छोटी सदड़ी शहर में थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में डोडा चूरा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक भी जब्त कर ली है। सीआई रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोमाना पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 13 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया गया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह जी को जरिए टेलीफोन को इतला मिली थी कि कुछ हाईवे पर संदिग्ध वस्तु जा सकती है या बदमाशों की आमदन पत्र हो सकती है, जिस पर उन्होंने गोमाना पुलिया के आसपास नाकाबंदी की थी सरकारी गाड़ी के साथ में। मैं जानता उसी दौरान एक ट्रक को रोकने की इशारा किया, परंतु उसने नहीं रोकी। उन्होंने बामुश्किल उसको नाकाबंदी करके गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी को चेक किया तो उसमें मक्का भरा हुआ था। चूँकि गाड़ी संदिग्ध थी और इस तरीके से मौके से भागी थी, तो उस गाड़ी को लेकर थाना परिसर में आया और थाना परिसर में जब गाड़ी को पूरा चेक किया गया तो उसको 180 कट्टर को मक्के के भरे हुए तथा साथ में 65 कट्टों के अंदर अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ था, जो कि कुल मात्रा 1300 किलो हुआ। और दो मुलजिमान को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जो कि गांगियावास हल्के के रहने वाले हैं जोधपुर के। उनसे गहनता से इस संबंध में पूछताछ हो रही है। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के नाम फरसाराम व राजूराम। छोटी सदड़ी से कैलाश शर्मा की रिपोर्ट।